ऐसे कहो जैसा कि तुम इस पर यकीन रखते हो। दिन 8 अप्रैल 2022। अकीदे के ऐलानात। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए खुदा का ख्वाब पूरा हो गया है। इसे लोगों, मायूसियों या मुश्किलात से नहीं रोका जाता। मेरे पास हर मसले का हल इसके लिखे हुए कलाम में है। सही लोग और सही वक्फे मेरे रास्ते में हैं। मैं अपनी एलाई तकदीर को पूरा करता हूँ। ये मेरा ऐलान है। खुदाई सेहत के तराफात। क्योंकि मेरा दिमाग खुदावंत पर कायम है और मेरा भरोसा मेरे आसमानी बाप पर है, वो मुझे सेहत, ताकत और जोश के साथ कामिल अमन में रखता है। मैं बीमारी, मर्ज और मौत पर गालिब हूँ। मैं हर रोज़ शानदार ज़िंदगी जीता हूँ और ये सब के लिए वाज़े है। हालेलुया। मैं जो कहूँगा वो मेरे पास होगा यीशु के नाम से। मैं मजबूत हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं आज़ाद हूँ, खुदा का महबूब हूँ, मैं खुदा और बरीनो इंसान का पसंदीदा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, वो नहीं जो मैं देखता हूँ। मैं एक कीमती बीज हूँ। मैं अपने खुदा के घर में अच्छी ज़मीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने खुदावंत की अदालतों में खजूर के दरख्त की तरह फलता फूलता हूँ। मैं वाफर फल देता हूँ इस मौसम में। मैं खुदावंत में रस और सब से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताज़ा और फलता फूलता रहूँगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है और मैं यीशु के नाम पर जो कुछ भी करता हूँ, चीज़ें हमेशा यीशु के नाम पर मेरे लिए काम कर रही हैं। मैं मसीह यीशु में हर रूहानी बरकत का वसूल कुनंदा हूँ। मैं एक रूह हूँ, मेरी रूह एक रूह है। मेरी रूह और मेरी रूह एक जिस्मानी जिस्म में रहते हैं। मेरी रूह का हुक्म देता है। मेरी रूह सुनती है, वसूल करती है और मेरे जिस्म को हदायत देती है और मेरा जिस्म अतात करता है। यीशु के नाम पर मैं अपने जिस्म से बात करता हूँ। खुदा की नाकाबले तस्वीर ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में हमेशा वाज़े और ज़ाहिर होती है। मैं अपने जिस्म की हर तफसील से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने जहन से मसीह के जहन की तरह कामिल होने के लिए कहता हूँ और मैं आपको हुक्म देता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम हांग रहें। मैं अपने टेंडेंस और असाब से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने पट्ठों और लिगामेंट से ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं आम वेंटिलेशन और परफ्यूजन तनासुब को बरकरार रखने के लिए अपने फेफड़ों और टिश्यूज से बात करता हूँ। मैं अपने गुर्दों, जिगर और लुबलुबे से कमाल बात करता हूँ। मेरे खून के हर खलिये में ज़िंदगी है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज सीध में और मजबूत हैं। मेरी उंगलियाँ बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। मेरी आंखें वाज़े और बिल्कुल अच्छी तरह देखती हैं और मेरे कान बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मेरी जिल्द हमवार है, एक नए पैदा होने वाले बच्चे और खुदा की खूबसूरती के तौर पर सेहतमंद। मैं अपने बालों को जगह पर रहने का हुक्म देता हूँ और जहाँ नमो की ज़रूरत होती है मैं अपने फोड़ों में नमो जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ
आसाब और खून की फरहमी सब सेहतमंद, मजबूत और कामिल हैं। मेरे तमाम हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ कामिल हमहंगी में हैं और अपने कामों को आम तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मेरा निज़ाम इंजहाम तमाम गजाएं हजम करने, जज्ब करने और इंजमाम करने के काबिल है और मेटाबॉलिक फजले की मसनूआत बकायदगी से खारिज होती हैं। मेरा तौलीदी निज़ाम काफ़ी मकदार में और अच्छी नकलो हरकत के स्पर्म्स पैदा और जमा कर रहा है। मेरा तौलीदी निज़ाम बरवक्त अंडे के खलिये पैदा कर रहा है, पैदाइश तक जनीन की हिफाजत और परवरिश कर रहा है। मेरे जिस्म का हर अज़ू, हर टिश्यू इस कमाल के साथ काम करता है जिसके लिए खुदा ने इसे तख्लीक किया है, और मैं यीशु के नाम पर अपने जिस्म में किसी भी खराबी और बेतरतीबी को मना करता हूँ। मेरी पूरी इंसानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मसीह यीशु के जलाल में कामिल है। हालेलुया, आमीन। खुदा का बाप मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का बेटा मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का रूह मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। शालोम।